आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा, ध्यान से। हाँ, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। और आज तो अच्छा मौसम है, इस मौसम का आनंद लें। हाँ, अच्छा है। चलिए, अब गर्मी से राहत मिल रही है आपको, हमें। और सुनाएं, किस चीज पर सुनना चाहेंगे, किस चीज पर बताएं आपको कुछ? आपकी कुछ अपनी पसंद है या मैं शुरू करूं? बोले। चलिए, मैं ही शुरू कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, हमारे मानव शरीर जो है ना मित्र, वो अपने आप को सब देखें, अपने शरीर को देखें, तो वहां पर देखेंगे कि हमारे मानव शरीर में, तो एक अलग बात है कि हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वो आप जानते हैं। वह आपके वेद में भी है, जो आप जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा वाली बात। वही चीज आपका साइंस भी, चिकित्सा विज्ञान भी वही बात बतलाती है, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है। उसमें दो जो मुख्य है हमारे शरीर में, एक तो हमारे शरीर की जो ये सब मांसपेशी है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं वह, और एक जो है बोन, अस्थि जिसको हड्डी बोलते हैं। दो चीज सामने झलक रही है, लग रहा है हमें कि इस चीज को तो हम लोग देख रहे हैं। दोनों का अहम रोल है। एक तो मांसपेशी और अस्थि मिलकर के हमारे शरीर को में जो है गति देती है, हमें गति प्रदान करती है, जिससे हम चलते हैं या कोई काम कर लेते हैं। दूसरा जो है, मैं जो कंकाल जो है, अगर वह उसको देखे तो वह हमारे शरीर को एक अच्छा फ्रेमवर्क देता है। तो फ्रेमवर्क कहने का मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता, अच्छा एक लुक बनाता है, वो बहुत जरूरी है। अन्यथा फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, अगर अस्थि हट जाए तो मांसपेशी का मांस का उसका एक लुथरा जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोई आकार नहीं, शेप नहीं हो पाएगा हमारा। तो यह अच्छी बात है कि हम एक जो हमें प्राणियों में हमें एक मानव का रूप मिला, उसमें एक अच्छा रूप हमें मिला, कह सकते हैं आपको हमें। तो इस तरह से इसका इसमें अब आइए, हम थोड़ा जो आप जानते हैं कि अगर विज्ञान को लेकर के चलें, चिकित्सा विज्ञान को लेकर के चलें, तो वहां पर कहते हैं हम कि हमारा मानव शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ है। हमारे मानव शरीर के जितने भी अंग हैं, मस्तिष्क हुआ, आंख हुआ, सब में देखिए तो सेल्स है, सभी सेल्स से निर्मित है। सेल्स जो है हिंदी में उसको कोशिका कहते हैं, वह लाखों में है हमारे शरीर में। और वह जो कोशिका है, वही जब इकट्ठा हो करके एक एक शरीर का अंग बना देती है, जैसे आंख, नेत्र हुआ हमारा, हमारा ओठ हुआ, हमारा फेफड़ा कहिए, हृदय कहिए, हाथ की बाजू कहिए, पैर, वही सब बन जा रहे हैं। मांसपेशी इकट्ठा एक हो करके एक एक शरीर का अंग बना देती है। हृदय भी मांसपेशी ही है हमारा। तो उसमें जो है, जब तक, कहने का मतलब हमारा कोशिका सेल्स एक्टिव रहती है, माने क्रियाशील रहती है। क्रियाशील रहती है मतलब उसको ऑक्सीजन और ब्लड मिलता रहता है, तो वह सक्रिय रहेगी, एक्टिव रहेगी, काम करता रहेगा अपना। उसी के अभाव में क्या होता है, वह अपना कार्य प्रभावित करता है, कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता। तो इसलिए जो है हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, ब्लड मिलता रहे,
वही जाकर के कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब हमारे मानव शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे, तब जाकर के हमारा शरीर दक्ष होता है, एफिशिएंट होता है, हम अपने कार्य में दक्षता हासिल करते हैं। तो यहाँ पर जो योग को अपने देखे, तो योग के माध्यम से हमारे मानव शरीर को पहली बात तो शुद्ध वायु जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती है। उसमें सीधा अगर आप देखें तो जब आप प्राणायाम करते होते हैं, प्राणायाम विधि करते हैं, आप प्राणायाम अपना करते हैं, तो प्राणायाम के माध्यम से जो होता है हमारी क्या होती है, श्वास लेने की क्षमता प्रभावित होती है। कहने का मतलब हम श्वास ज्यादा लेते हैं गहराई से, और उतनी गहराई से श्वास को छोड़ते भी हैं। नतीजा हुआ कि जब श्वास हम लेते हैं तो शुद्ध वायु लेते हैं, उसी को प्राण वायु कहते हैं, उसी को ऑक्सीजन कहते हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम ग्रहण करेंगे उतना ही जो है हमारा मानव शरीर उतना ही एक्टिव होगा, माने कार्यशील होगा, शिथिल नहीं पड़ेगा। और जितनी ज्यादा हम शरीर के अंदर का गंदा वायु छोड़ते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, वह जितना ही अधिक निकलेगा हमारे शरीर के अंदर से उतना ही ज्यादा हमारा शरीर क्या होगा, अंदर से स्वस्थ होगा, उतना ही हमारे शरीर के अंदर के अंग जो हैं काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी ज्यादा। नतीजा होगा कि शरीर की जो है वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, आपका शरीर स्वस्थ हुआ। जब हमारा मानव शरीर स्वस्थ हो जाता है उसी पर तो फिर हमारा मानसिक विकास आश्रित है। इतना तो आप जान गए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही हमारा स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जहां तक हम कहते हैं या हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है स्वास्थ्य के बारे में, उसको कभी हम बताए हैं आप लोगों को, WHO की क्या परिभाषा है स्वास्थ्य की, बताए हैं कि नहीं? नहीं बताए तो आज बता दे रहे हैं, उसी पर फिर योग को जोड़ दे रहे हैं। योग कितना कारगर है हमारी विश्व संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा को सार्थक बनाने में। बोलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा जानते हो स्वास्थ्य की? नहीं सर। नहीं तो आज हम बता दे रहे हैं, उसको लिख भी लीजिएगा, पहले सुनिए ठीक से, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एकदम हम सरल करके बता दे रहे हैं मित्र, काम देगा आपको, कंपटीशन में भी पूछते हैं, उसको ठीक से सुने ध्यान से आप। बहुत ही आसान है लेकिन काफी गर्वित है, प्रभावशाली परिभाषा है, कहीं भी आपके काम देगा। सिविल सर्विस के जो वगैरह में पूछते हैं, तो WHO जिसको कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है वह इस तरह से, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में हम बता दे रहे हैं, ठीक से पहले समझिएगा फिर लिख लीजिएगा। इंग्लिश में, इंग्लिश विश्व की सर्वमान्य भाषा, इसलिए इंग्लिश में जो बोला है WHO ने, उनका कहना है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। फिर से सुनिए, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। डिजीज मतलब रोग होता है, इनफर्मिटी मतलब विकार होता है। जैसे किसी को सुनने की कमी आई, किसी को देखने में कमी आई, या किसी को और सा विकार आ गया कोई का, नहीं कहते हैं कि लंग्स कमजोर हुआ या हार्ट की क्षमता कम हुई, ये सब विकार में आए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि
हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सिर्फ यही नहीं कि हमारे अंदर कोई रोग नहीं है या कोई विकार नहीं है तो हम कह देंगे कि हम तो स्वस्थ हैं. आम आदमी यही कहता है, जनरल आदमी से कहिए आप कोई इसी तरह पूछते अरे स्वस्थ हो ना, तो हाँ हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई विकार नहीं, हम स्वस्थ हैं, यही जवाब मिलता है एक आम जनरल. लेकिन नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा काफी अच्छी है, उसको समझने की बात है, उस तरह से अपनाइएगा और अपने आप को मापिएगा, तब आप उस पर खड़े उतरते तो आप समझिएगा कि आप विश्व की नजर में स्वस्थ हैं. अब वो क्या कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन कि हमें सिर्फ अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, विकार नहीं है, तो इसी से हम नहीं कर लें कि हम स्वस्थ हैं. स्वस्थ होने के लिए हमें वन शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट. कहने का मतलब हमें स्वस्थ होने के लिए सामाजिक, फिजिकली माने शारीरिक रूप से, माने शरीर से हमें स्वस्थ होना पड़ेगा. इसके लिए भोजन, पौष्टिक भोजन मिलेगा तभी, पौष्टिक भोजन के साथ वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा, शुद्ध जल हमें मिलता रहेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसी के लिए संतुलित आहार बनाई गई है. तो या योग की भाषा में कहिए सात्विक भोजन बना है, या सब शरीर को स्वस्थ रखता है. तो स्वस्थ होने के लिए हमें शारीरिक रूप से ठीक स्वस्थ होना पड़ेगा, साथ में मानसिक रूप से भी ठीक होना पड़ेगा. कहने का मतलब हम मन से ठीक हो, माने ज्ञान हो हमारे में, हमारे में विवेक हो, निर्णय लेने की क्षमता हमारी अच्छी हो, तब हम कहेंगे कि हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से ठीक स्वस्थ है. साथ में WHO जोड़ता है कि साथ ही साथ हमें सोशली भी फिट होना है. सोशली मतलब सामाजिक रूप से, इसीलिए कहते हैं ना आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं समाजशास्त्र, तो कहा जाता है कि मानव एक, हम सब एक सामाजिक प्राणी है. सामाजिक प्राणी है मतलब समाज है हमारा, हम लोग का संगठन है मानव का, हम सब का, उसमें कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ रिचुअल्स बनते हैं जिसको कि निभाना पड़ता है. जैसे हमें कपड़ा पहनना है, हमें घर में रहना है, भोजन मिलते रहना चाहिए, तब जाकर के नहीं कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान आवश्यक हो जाता है, यह सब हमें मिलता रहे तब हम कहेंगे कि हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक रूप से ठीक. समाज के कुछ नियम कानून है उसका भी हमें पालन करना पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता है, उसके दायरे में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तब हम सामाजिक प्राणी होते हैं. नियम का उल्लंघन न करें, ये सब हम लोग का कर्तव्य हो जाता है. फिर सामाजिक रूप से ठीक हो गए तो फिर उसके बाद हमें संवेगात्मक रूप से भी ठीक होना चाहिए. संवेगात्मक मतलब इमोशनली फिट, नहीं कहते हैं कि अरे वह तो काफी इमोशनल है, काफी ज्यादा कभी दुख में दुखी हो जाता है, काफी ज्यादा भावुक हो जाता है, या कभी ज्यादा खुश हो जाता है, तो नहीं. इमोशनली फिट बहुत बड़ी चीज है, संवेगात्मक रूप से हमें ठीक होना पड़ेगा. कब हम ठीक होंगे? गीता में श्री कृष्ण भगवान बतलाए हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम सुख में भी और दुख में भी एक ही व्यवहार करें, एक तरह से हमारी अनुभूति हो, एक तरह से हमारा व्यक्तित्व का ही हो, प्रदर्शन हो, तब हम जाकर के कहेंगे कि हम संवेगात्मक इमोशनली हम ठीक है. कहने का मतलब जो सुख दुख में एक होता है, एक तरह का व्यवहार करता है, उसे ही कहते हैं हम इमोशनली हम फिट हैं, माने जिसका सुख दुख पर काबू है. तो इतनी चीज बता रहा है WHO कि हमें स्वस्थ होने के लिए शारीरिक रूप से ठीक होना पड़ेगा, माने शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, मानसिक रूप से ठीक होना पड़ेगा, माने कोई हमारे मानसिक विकार नहीं हो, फिर सामाजिक रूप से भी हमें ठीक होना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ संवेगात्मक रूप से भी, माने इमोशनली हमें कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पर, ठीक है, तब जाकर के हम सुख दुख में एक भाव प्रकट कर सकते हैं. और तो और साथ में
आज इसमें और जोर दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में कि हम मानव को स्वस्थ होने के लिए आध्यात्मिक रूप से भी ठीक होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि भारत वाले कभी आध्यात्मिक गुरु थे, आज तो नहीं है हम, कभी स्वामी तब गुरु या आध्यात्मिक गुरु के रूप में हमको भारत जानता था। तो अगर हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअली ठीक है, आध्यात्मिक को स्पिरिचुअली कहते हैं, तब जाकर के अगर इन सब चीज का समावेश हमारे अंदर होता है तब हम एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजर में स्वस्थ कहे जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात है। इस तरह से अपने आप को आंकिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, तब आप कहिए कि हम स्वस्थ हैं, तो विश्व के नजर में आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाए। इसमें अब आप देखिए तो हमारे योग का बहुत बड़ा योगदान है हमें स्वस्थ रखने में, विशेष करके शारीरिक रूप से आप ठीक हो जा रहे हैं। मान लीजिए अच्छा भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, शुद्ध वायु मिल रही है, वातावरण शुद्ध मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो आप मान लीजिए शरीर से आप ठीक है स्वस्थ, लेकिन उसको मानसिक रूप से ठीक रखने के लिए हम योग के माध्यम से ध्यान करते हैं, मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं, तभी जाकर के मानसिक हमें शांति मिलती है। और तो और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर योगासन जो हम करते हैं, तब जाकर के उससे शरीर हमारे शरीर में क्या होता है, लचीलापन होता है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है, तब जाकर के हमारा शरीर जो होता है निरोग होता है। इसीलिए कहा जाता है, आप सबको योग में बताया जाता है कि योग के माध्यम से हमारा शरीर निरोग होता है, मतलब हमारे शरीर से रोग दूर हो जाती है। तो शरीर को स्वस्थ रख रही है शारीरिक रूप से, फिर मानसिक रूप से भी आप ध्यान वगैरह लगा करके मानसिक रूप से मानसिक शांति मिलती है आपको, मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं, तब जाकर के आप जो है छात्र जीवन में अच्छा पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, या आपका ज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है जिसको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, फिर जाकर के आप एक पढ़ लिख करके एक अच्छे सामाजिक प्राणी बनते हैं, सामाजिक विकास भी होगी आपका, साथ ही साथ इमोशनल बैलेंस भी जो है, संवेगात्मक जो संतुलन जो है वह भी हमें योगी सिखलाती है, योगी देती है। कब? जबकि हम योगासन करते हुए साथ में ध्यान भी करते रहते हैं, तो ध्यान के माध्यम से जो आपको प्राप्ति होती है वह आपका मानसिक संतुलन देता है, मानसिक शांति देता है, तब जाकर के आप निर्णय कुछ जो बोलते हैं वह प्रभावशाली बोलते हैं, कम ही बोलेंगे लेकिन उसका कीमत होगा। तो यह जो है मानसिक संतुलन देता है योग, तब जाकर के हमारे में क्या होता है, इमोशनल बैलेंस बनती है, संवेगात्मक रूप से हम सुख और दुख में एक व्यवहार करना सीख जाते हैं, यह योग की देन है। और आखिर वाली जो है आध्यात्मिक विकास, आप जानते हैं कि आप जितना भी योग में लगन से लगेंगे उतना ही आखिरी क्षण में आप आध्यात्मिकता को प्राप्त कर ले जाएंगे। हालांकि यह बहुत ही कठिन है, आध्यात्मिक रूप से ठीक होने के लिए हमें काफी ज्यादा पवित्र बनना पड़ेगा, शरीर से भी, मन से भी, आदत से भी, तब जाकर के हमें आध्यात्मिक प्राप्त होती है। यह संभव है? असंभव नहीं है। तब हम आप जो है कह सकते हैं कि आज भी हमारा जो है आध्यात्मिक गुरु कभी भारत था वह लौट सकता है, लेकिन आज के दिन में कहेंगे दुनिया तो आपसे आगे निकल गई है योग को ही अपना करके, जो कि योग हमारी धरोहर संस्कृति है, लेकिन विदेश वाले इस अच्छे अच्छे देश अमेरिका, रूस, जर्मनी इसको खूब अच्छा अपना रहे हैं, इसकी वैज्ञानिक सत्यता को जान गए हैं, तब जाकर के वे आपसे हमसे अच्छे हैं, शरीर से भी, मन से भी, ज्ञान से भी, और इमोशनल बैलेंस भी उनका अच्छा है। तो यह सब हमें अर्पित करना है, प्राप्त करना है जो कि हमने खोया है, तो इसको प्राप्त करने का माध्यम हमारा मित्र योग ही है। तो योग की इतनी गहराई में जाइए, तब जाकर के आप देखेंगे कि योग के माध्यम से ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा दी गई है, जो कि काफी सार्थक है और काफी विश्व मान्य है, संसार में मान्य है या परिभाषा वैल्यू है इसकी, उसमें आप
खरे उतरेंगे, अपने आप को पाएंगे कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ हैं, बशर्ते कि इस सब चीज आप में आए। और तो और जानिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है उसमें अभी उसमें कभी कभी कुछ जो है सुधार करते रहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन वाले। उसमें काफी दुनिया के अच्छे अच्छे चिकित्सक होंगे, काफी अच्छे वैज्ञानिक होंगे, काफी अच्छे समाजविद होंगे, काफी अच्छे उसमें दार्शनिक होंगे, तो सब लोग का वो समूह होता है। तब जा करके वो निर्णय लेते हैं कि तब जा करके उन्होंने इस तरह से कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि स्वास्थ्य की इस तरह की जो परिभाषा होगी और इसको जो फुलफिल करेगा वही एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। और तो और आज के दिन में जो आप सब छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बता देना और जरूरी है, समझिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी पहले कुछ साल पहले अपनी परिभाषा में एक दो लाइन और जोड़ा है। वह यह है कि हमें स्वस्थ होने के लिए ऊपर की बातों का समावेश हमारे में तो होगा ही, कि हम शारीरिक रूप से ठीक रहें, मानसिक रूप से ठीक रहें, सामाजिक रूप से ठीक रहें और संवेगात्मक रूप से ठीक रहें तथा आध्यात्मिक रूप से ठीक रहें, तब जाकर के हम होंगे। साथ ही साथ हमें स्वस्थ तब माना जाएगा जबकि हम अपने रोज की दैनिक जो आवश्यकता की पूर्ति जो है ठीक से भली भांति कर पाए। या लाइन जो है नीचे वाला लाइन ना, भली भांति अपने जीविका को जी पाए तब हम स्वस्थ कहे जाएंगे, वह काफी महत्वपूर्ण है आज के दिन में, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सभी के लिए। क्यों? कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आज, स्टूडेंट लाइफ में जो देख रहे हैं, आपका मुख्य जो उद्देश्य हो गया है शिक्षा का, वह हो गया है कि शिक्षा अच्छी लेकर के हम एक अच्छी नौकरी पा जाए जिससे कि हम अपनी जीविकोपार्जन कर सके। यहाँ पर यह काफी वैल्यूएबल है यह बात, क्योंकि आज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यह जो है बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है मित्र। तो यही बेरोजगारी पर इस की सीधी ही है नजर है। तो कहने का मतलब, अगर हम शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो कि ऊपर लिखी गई बात है विश्व संगठन की, इसमें खड़े उतरते हैं, तो हमारे भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने रोज की जीविका को भी ठीक से पालन कर सके। कहने का मतलब, ठीक से हमें भोजन मिलता रहे, रोज का जिंदगी जो है हमारा ठीक से बीतता रहे। कहने का मतलब है इतना आप में मजबूती आनी चाहिए शारीरिक मानसिक रूप से, यह तभी संभव है जबकि हम, और साथ ही ठीक से, करने का मतलब ईमानदारी से, जो भी हम पसीना बहा के मेहनत करके जो अन्न खाएंगे उस तरह की होनी चाहिए हमारी जीविका उपार्जन, तब हम स्वस्थ कह जाएंगे। ये जो भारत में, तो भारत की स्थिति जानते हैं, अच्छे अच्छे देश को देखिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वाले आते हैं, तो उनका कहना है यार, कहना क्या है, बात सच है, आप अपने ही अगल बगल देखिए, भारत में आज इतनी ज्यादा अत्याचार है, करप्शन है, कि हम इसी में परेशान है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र देखिए, कहीं भी इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार है कि आप, हम इसी से परेशान है, तो इसको दूर करना पड़ेगा। तो इसको दूर कर ले जाएंगे और ईमानदारी से अपनी जीविका उपार्जन करने लगेंगे, दैनिक जीवन जीने लगेंगे, तभी हम स्वस्थ कहे जाएंगे। एक भ्रष्ट आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है, उसकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं होती है, वह कुत्सित विचार का होता है। तो इस तरह से अपने आप को सुधारिए, मैं भी सुधारूं, आप भी सुधारें, कि हमें करप्शन से दूर रहना, भ्रष्टाचार से, और इतना शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूती ले लेना है कि हम जो भी जीविका उपार्जन करें वह ईमानदारी से करें, और जिससे कि ठीक से हम अपना जीवन निर्वाह कर पाए रोज के जीवन।